नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव, आप आईएम ऑनलाइन क्लासेस के एपीएम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। मैं आप लोगों को आज कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा पहला है कोशिका। तो यहाँ हम लिखते हैं कोशिका। ये हमारा कोशिका। तो जो कोशिका, तो सभी छोटे और बड़े जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो छोटे बड़े जो जीव जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से कोशिका प्रत्येक जीव की आधारभूत इकाई है। तो मतलब जो इकाई होती है, जो शुरुआत है प्रत्येक जीव जंतु की, वो कोशिका ही प्रत्येक जीव की आधारभूत इकाई है। तथा संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम आप लोगों को, अब जी हमारा हो गया कोशिका के बारे में हम बताए, अब हमारा है ये, अब बता रहे हैं आप लोगों को कोशिका का इतिहास। तो इसका है इतिहास। कोशिका का वास्तविक अध्ययन गैलीलियो के सरल माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ प्रारंभ हुआ। जो कोशिका का अध्ययन है, जो गैलीलियो के सरल माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, वो रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1665 में बनाया गया। तो जो वैज्ञानिक थे माइक्रोस्कोप, वो रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट हुक, या इन्हें हम कह सकते हैं इन्होंने खोज की रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में बनाया गया था। संयुक्त तो माइक्रोस्कोप इस दृष्टि से अत्यंत उपयोगी रहा। इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने कार्क के सेक्शन को देखा, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली स्थान दिखाई दिया। उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा कोशिकाओं को, और मधुमक्खी के जो छत्ता होते हैं उसी के समान खाली दिखाई दिया। तो जिन्हें कोशिका नाम दिया गया, तो उन्होंने इसका नाम फिर कोशिका दिया गया। तो जो कोशिकावाद, तो जो हम बता रहे हैं कोशिकावाद को जर्मनी के वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक एम आई स्लाइडेन ने सन 1838 तथा जर्मनी के ही प्राणी विज्ञान शास्त्री टी स्वान ने सन 1839 में प्रतिपादित किया। तो जो कोशिकावाद है, तो कोशिकावाद को जर्मनी के जो वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक, जो मतलब वनस्पति विज्ञान के जो वैज्ञानिक एम आई स्लाइडेन ने सन 1838 तथा जर्मनी के ही प्राणी विज्ञान शास्त्री टी स्वान ने सन 1839 में प्रतिपादित किया। तो जो हमारा क्या था, कोशिकावाद। अब हम बता कोशिकावाद के अनुसार, तो कोशिकावाद के अनुसार कोशिकावाद के अनुसार कोशिकावाद के अनुसार तो प्राणी तथा पौधों के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो प्राणी तथा जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं, और वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका को हम क्या कह सकते हैं, कोशिका एक संरचनात्मक, पहला है हमारा कोशिका एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो जो कोशिका है, जो हमारी क्रिया कोशिका एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो दूसरा जो हमारा, हम उसके अनुसार में, तो कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विकास वृद्धि की एक अवस्था है। तो जो वृद्धि होती है उसकी, तथा जो विकास की वृद्धि होती है उसकी जो एक अवस्था है। और हमारा अगला है सभी जीवधारी कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। तो जो सभी जीवधारी होते हैं वो कोशिका तथा उसके उत्पादन से या उत्पाद से बने होते हैं, उत्पाद से बने होते हैं। तो हम आपको कोशिका के बारे में और अत्यंत गहन तरीके से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया शुरुआत। अब कोशिका, तो कोशिका को इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। तो जैसे कोशिका, तो कोशिका को हम इधर सेल भी
कहते हैं। तो कोशिका का जो नाम होता है, जैसे कोशिका का कोशिका को हम इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, और टेक्निकल नाम जो इसका होता है साइटो। तो जो इसका कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है कोशिका का टेक्निकल नाम, टेक्निकल नाम होता है साइटो। तो जो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है वो साइटो होता है, और जो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है वो साइटो होता है। हाँ, तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कोशिका के जो जनक थे वो कौन थे। तो अभी हमने पहले भी बताया था कि कोशिका के जनक, कोशिका के जनक, तो कोशिका के जनक कौन थे वो हमने पहले भी बताया था आप लोगों को शुरू में, और हम दोबारा भी बता दे रहे हैं। जो कोशिका के जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक थे। जो कोशिका के जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे। तो इन्होंने बताते हैं लोग कि जिन्होंने वैज्ञानिकों को बताया कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, चाहे मृत कोशिका की खोज की या फिर जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम इन्हीं ने की थी। तो अब जो हम बताने हैं, जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज, तो जो हमने जीवित कोशिका की खोज की थी वो तो एंटोनियन ल्यू की थी। तो जी हम इनके बारे में बता रहे हैं, कोशिका में किन किन लोगों, किन किन वैज्ञानिकों, किन किन का योगदान रहा है। तो ये स्लाइडेन एवं स्वान, ये भी एक वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडेन एवं स्वान, तो ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो ये वैज्ञानिक थे, नाम स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, और शरीर कोशिका से मिलकर बना है इसे स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। तो जो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कहा था कि जो शरीर होता है, कोशिकाएं होती हैं, शरीर कोशिका जो मनुष्य का शरीर होता है, अब तो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है इसे स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। ये इनके सिद्धांत थे, और इनके यही सिद्धांत भी इनको कह सकते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान के सिद्धांत। तो इधर लिख के बता दे रहे हैं स्लाइडेन एवं स्वान के सिद्धांत। तो ये विज्ञान सिद्धांत, इनके सिद्धांत भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो हम आप फिर से बता रहे हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे छोटी, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है, ऐसे हम ये कह सकते हैं दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है वो किस चीज की कोशिका होती है, तो छोटी कोशिका होती है, इधर लिख के हम बता रहे हैं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा जो छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी या जो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, और जो बड़ी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका होती है, तो जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अंडे की होती है तो हमने अभी बताया था जो सबसे दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो
माइकोप्लाज्मा की होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, तो जो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। जो मेल का स्पर्म होता है वो शुक्राणु की जो कोशिका वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, हाँ, तो हम बता रहे थे आप लोगों को कोशिका के बारे में। जो मानव में जो छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म शुक्राणु की कोशिका होती है। तो मानव में जो कोशिका होती है मेल के स्पर्म शुक्राणु की कोशिका होती है। तो मानव में बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो अंडाणु कहते हैं। जो फीमेल का जो ओवम होता है उसे अंडाणु कहते हैं। तो मानव में लंबी कोशिका, तो इधर तो मानव में लंबी कोशिका, तो मानव में लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती है। न्यूरॉन यानी ब्रेन, माइंड की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती। तो लंबाई में, मतलब लंबाई में हम बता सकते, तो लंबाई में इस तरह से कहते हैं। और तो लंबाई में जी मानव में जो लंबी कोशिका होती है वो ब्रेन की, न्यूरॉन की कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो न्यूरॉन ब्रेन माइंड की जो कोशिका, ब्रेन की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसमें जैसे कभी पूछ लेते हैं कि हम थोड़ी देर में आप लोगों को बता भी रहे हैं कि जैसे कोशिका विभाजन, तो मतलब जहाँ अगर किसी को अगर अन्य जगह अगर चोट लगती है तो उसमें कोशिका विभाजन होता है। अगर न्यूरॉन यानी माइंड में अगर चोट लगने पर कोशिका विभाजन नहीं होता, तो ये हमने बता दिया। तो मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। हम अगला बता रहे हैं आप लोगों को। अगला है हमारा, अगला जैसे कि अब मानव में सबसे लंबी कोशिका हमने आप लोगों को बताया कि मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन होती है। तो ये हो गया। अब है कोशिका विभाजन रहित, तो कोशिका विभाजन रहित का मतलब है कि जिस कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता, अगर वो डैमेज हो गई या खराब हो गई या नष्ट हो गई तो उसका विभाजन होना नामुमकिन है। तो जो ब्रेन की जो कोशिका होती है न्यूरॉन, इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ब्रेन की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती, उसे न्यूरॉन कहते हैं। तो हम आपको एक चित्र के माध्यम से, आप डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस तेज विभाजन, तो जे हम जैसे कि हाँ अभी हमने बताया विभाजन रहित यानी कि जहाँ विभाजन नहीं होता है वो कोशिका होती है न्यूरॉन की कोशिका, इधर कोशिका विभाजन नहीं होता है। और जहाँ कोशिका विभाजन तेजी से होता है, वो कौन सी कोशिका? वो होती है लीवर में। अगर इधर कोई नष्ट हो जाए या खराब हो जाए तो उसका जो विभाजन होता है वो तेजी से होता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। जिस लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो हम उन्हें बता रहे हैं कि कोशिका कैसे है और धीरे धीरे वो कैसे आगे बढ़ती है। तो जैसे हम पहले बता रहे हैं, जैसे कि ईंट, एक जब हम मकान बनाते हैं तो वो किन किन स्थितियों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। तो पहले हम ईंट का प्रयोग करते हैं, फिर दोबारा दूसरे नंबर पर हम जब ईंट होती है तो ईंट से क्या बनती है? दीवार, ईंट से दीवार बनती है। और दीवार से क्या होता है कि कमरा, जब ईंट बनेगी ईंट से दीवार बनेगी तो दीवार से कमरा बनेगा। और जब कमरा बन जाएगा तो फिर बनेगा वो पूरा घर। उसी प्रकार कोशिका, तो पहले नंबर पर है जैसे कि कोशिका,
दूसरे नंबर पर है ऊतक, कोशिका ऊतक। तीसरे नंबर पर है अंग और फिर क्या होता है जब सारी चीजें मिल जाती तो बनता है शरीर। तो पहले जो कोशिकाएं होती हैं, तो पहले जैसे कि मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता है, ईंट से दीवार बनती है और दीवार से कमरा और कमरा से घर। उसी प्रकार कोशिका जब जरूरी है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो बनते हैं, जो सारे अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को कोशिका से रिलेटेड। तो पहला है हमारी कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली क्या होती है हम बता रहे हैं, ये हमारे कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये हमारी कोशिका झिल्ली है, इसे इंग्लिश में मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो इसको प्लाज्मा झिल्ली, तो ये हमारा हो गया, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो जब कोशिका झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली, तो ये किन में पाए जाते हैं, तो पादप प्लस जंतु। तो पादप जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम पादप कहते हैं, और जंतु जीव जंतु या मनुष्य, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एक झिल्ली के समान होते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो पहला है हमारे जी कोशिका झिल्ली। तो ये किन चीजों में पाए जाते हैं, किन, तो पहला है पादप, दूसरा है जंतु। तो पहले ये पादप में और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। तो ये झिल्ली पादप और जंतु, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे और जंतु का मतलब वो जीव जंतु व मनुष्य, इन सब में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक झिल्ली के समान होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक झिल्ली के समान होती है, जैसे कि एक झिल्ली होती है तो झिल्ली के समान होती है। उसमें जो सारे अंग होते हैं शरीर के, जो सारे अंग होते हैं वो उस झिल्ली में होते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे कि जो अंग होते हैं शरीर के, उसमें जो सारे जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो होते हैं। कोशिका झिल्ली बनी किस चीज की होती है, तो कोशिका झिल्ली इधर बता रहे वो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। हम बता रहे हैं पादप, तो पादप जैसे कि पादप में हमने अभी बताया था, पादप में पेड़ पौधे इनका मतलब है, पादप ये होती है पेड़ पौधे, यानी कि हल डुल तो सकते हैं पर वो चल नहीं सकते, सेल प्लांट या पावर वो प्लांट सेल प्लांट पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर। और जंतु में जैसे कि मानव बकरी जीव जंतु में पाए जाते हैं, तो मानव बकरी जो जीव जंतु होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पाए जाते हैं झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, तो हमने आप लोगों को बता दिया था। अब जो हमारा दूसरा है वो है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो हम आगे साफ करके बता रहे हैं ऊपर आप लोगों को, जो दूसरी है हमारी कोशिका। तो पहले हमने बताया था कोशिका झिल्ली और दूसरा है हमारा कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति
ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं, यानी कि जैसे कि जो कोशिकाएं छोटी होती हैं वो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत आ जाती है, जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं उन्हें कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जो कोशिकाएं जैसे कि कोशिका भित्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोशिका भित्ति के अंतर्गत आ, जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं उनमें डबल झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, भारी सामान में लगाई जाती है। जैसे कि मानव शरीर एक झिल्ली में, अगर कोई सामान हम खरीदते हैं अगर एक झिल्ली में लेते, अगर हल्का सामान होता वो एक झिल्ली में हम प्रयोग करते हैं या उसमें आ जाता है उसके अंदर, और जो अगर ज़्यादा सामान होता तो हम डबल झिल्ली का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोशिका भित्ति, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, मानव में या जंतु में नहीं, कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में। तो जो कोशिका भित्ति होती है तो सिर्फ पादप में होते हैं, तो जो कोशिका तो पादप में पाए जाते हैं। मानव अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़े से करता है, जो मानव होता है वो अपनी कोशिकाओं की जो सुरक्षा होती है वो कपड़ों से करता है, और जो पादप होते हैं वो अपनी जो सुरक्षा होती है वो पेड़ की छाल से करते हैं, जैसे उनके ऊपर जो छाल होती है वो अपनी सुरक्षा पेड़ की छाल से करते हैं, और जो जानवर होते हैं वो अपनी सुरक्षा बालों से करते हैं। तो अपनी सुरक्षा छाल से कर लेते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक कोशिकाएं भित्ति सेल्यूलोज के बने होते हैं, तो जो कागज होते हैं, नोट होते हैं, कपड़े होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, तथा उसे सुरक्षा तथा आकार प्रदान किया जाता है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो जो कोशिका भित्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति के अंतर्गत आते हैं, कोशिका भित्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कपड़ा है, मनुष्य तो अपना शरीर, मनुष्य जो होता है वो कपड़ों से अपने शरीर का ढक लेता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने छाल से, वो जो जानवर होते हैं वो अपने बालों से शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। और ठीक है, आप लोगों को आज हमने अपनी क्लास में इतना बता दिया, और जैसे हाँ थोड़ा बहुत और बता रहे हैं, जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन होता है, अगर एक कोशिका टूटने पर दूसरी कोशिका उस जगह, एक कोशिका टूटने पर जो कोशिका दूसरी होती है या जो उसके बगल में होती है तो वो तुरंत दो कोशिकाओं पैदा या उत्पन्न करता है, जिससे कि जो टूटी हुई है जो क्षतिपूर्ति की पूर्ति करता है। जैसे कि कोई टूट जाए कोशिका तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी कमी के लिए वो कोशिका जो बगल में रहती है वो एक की जगह दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे कि उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी हो सके, ठीक है। तो नमस्कार दोस्त, हमारे कॉलेज जो स्टूडेंट है, नमस्कार, हम आपको अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।